नमस्कार बच्चों, आज अपन व्रत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्रत के बारे में। व्रत के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्रत बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रकार की आवश्यकता होती है। प्रकार में पेंसिल लगाकर प्रकार से हम एक गोला घेरेंगे। जहाँ पर प्रकार की नोक होती है वह व्रत का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है बेटा? बाहर का घेरा है इसको परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और परिधि और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कौन कौन सी है? ओ सी, ओ ए, ओ बी, ये इसकी त्रिज्या है। और वृत्त को अगर दो समान भाग में बांटने वाली रेखा होती है वो इसकी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका व्यास है ए और डी। इस प्रकार ए डी इसका व्यास है और ए ओ, ए ओ बी और ओ सी ये इसकी त्रिज्या है। और जो ये वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है ये कहलाता है त्रिज्या खंड। इसका त्रिज्या खंड है ए ओ बी, ये इसका भाग उसका त्रिज्या खंड कहलाता है। इस प्रकार हमने वृत्त के किसी दो भाग खंड को टुकड़ों को मिलाकर जो रेखा खींची धर्म में उसको जीवा बोलते हैं। और जीवा के अंदर का भाग कहलाता है वृत्तखंड। तो इसकी जीवा है ई डी और अंदर का भाग ये है वो इसका वृत्तखंड कहलाएगा। और वृत्त के जो अंदर में जो बिंदु होते हैं वृत्त के अंदर की परिधि के अंदर की लाइन में उसको अंतर्गत बिंदु बोलते हैं, अभ्यंतर बिंदु। और इसको अभ्यंतर बिंदु कहते हैं। इसमें अभ्यंतर बिंदु है ओ और पी। और इसके अलावा बाहर जो बिंदु होते हैं वृत्त के उसको वही भाग के बिंदु कहते हैं। इसमें बड़ी बात क्या हुआ है? क्यू। तो इस प्रकार हमने वृत्त के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा जिसमें वृत्त का केंद्र बिंदु, त्रिज्या, व्यास, जीवा, अभ्यंतर बिंदु, बहिर्भाग के बिंदु और त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। इस प्रकार ये आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम वृत्त के अंदर कौन कौन से भाग देख सकते हैं। धन्यवाद।